वेलकम दोस्तों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाया हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मैं सभी व्यूवर्स जो मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों 2 दिसंबर 2019 से एक ऐसा टोल प्लाजा पे ऐसा कानून लागू हो रहा है जिससे कहते हैं फास्टैग लेकर आ रही है कंपनी, जिससे जो फोर व्हीलर्स गाड़ी चलाते हैं उसके लिए खुशखबरी मानो, क्योंकि उस दिन किसी भी व्यक्ति को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अगर जिस व्यक्ति ने फास्टैग खरीद लिया, फास्टैग एक एप्स की तरह आता है जिसमें आपको उसमें अकाउंट बनाना पड़ता है, उसमें अकाउंट में आपको मिनिमम 100 से 1000 रुपए या 2000 3000 1 लाख तक रुपए उसमें रख सकते हो। आप जिस भी टोल प्लाजा से निकलोगे, जिस प्रकार टोल प्लाजा में 4-5 लाइनें बनी होती है, उसमें एक लाइन होगी फास्टैग की। फास्टैग अपने जो गाड़ी है फोर व्हीलर उसके आगे लगाया जाएगा जो स्कैन होगा। आप उस लाइन में से निकलोगे तो उसमें एक कैमरा होता है जो तुरंत उस फास्टैग को स्कैन कर लेता है, पूरी गाड़ी के नंबर ऐसे कैसे आ जाते हैं, उससे आपको ऑनलाइन जो फास्टैग अकाउंट बनाया उसे ऑनलाइन पैसे आपके कट जाएंगे, जिससे आपको लाइन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इससे संपूर्ण वीडियो को देखिए। जब तक आपके इस वीडियो को नहीं देखोगे जब तक आपके समझ में नहीं आया, क्योंकि फास्टैग 2 दिसंबर से लागू हो रहा है। अगर आप फास्टैग नहीं लगाओगे गाड़ी के तो आपकी गाड़ी टोल से बाहर नहीं जाएगी, केस बंद हो गया है दोस्तों। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिसके पास फोर व्हीलर्स गाड़ी है वो फास्टैग लगा ले 2 दिसंबर के पहले, क्योंकि फास्टैग एक ऐप की तरह प्रकार का होगा। जिस प्रकार फास्टैग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आप अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनने के बाद एक कोने पे आपके फास्टैग स्टिकर आता है वो लगेगा, जिससे जिस फास्टैग की जो लाइन होती है टोल प्लाजा में गुजरेगी तो वो फास्टैग स्कैन हो जाएगा और तुरंत आपके अकाउंट में जो फास्टैग के अकाउंट में पैसे रहेंगे उससे कट जाएंगे, जिससे आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बने रहिए। एक उपकरण होता है जो वाहन के सामने वाले कांच पर लगाया जाता है और इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID लगा होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आ जाती है तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर्स आपके वाहन के विंड स्क्रीन में फास्टैग के संपर्क में आते ही आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क कर देता है और आप बिना वहां रुके अपना प्लाजा टैक्स का भुगतान कर देते हैं। वाहन में लगा यह टैग आपके प्रीपेड खाते के सक्रिय होते ही अपना कार्य शुरू कर देगा। वहीं जब आपके फास्टैग अकाउंट की राशि खत्म हो जाएगी तो आपको उसे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। फास्टैग की वैधता 5 वर्ष की होगी, यानी 5 वर्ष के बाद आपको नया फास्टैग अपनी गाड़ी पर लगवाना होगा। व्यूअर्स, अब हम जानते हैं कि इस फास्टैग के फायदे क्या हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने के कारण लगने वाली गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन और खुले पैसे होने की समस्या को हल करने के लिए फास्टैग सिस्टम को देश के कई टोल प्लाजा के ऊपर शुरू किया है। फास्टैग की मदद से आपको समय में बचत के साथ साथ आपके पेट्रोल और डीजल की भी बचत होगी। इसके लिए टोल प्लाजा पर आपकी गाड़ी निकालने के लिए एक अलग लाइन होगी जो कि फास्टैग लाइन कहलाती है, जिसमें आप बगैर रुके टोल प्लाजा को पार कर सकते हैं। SMS की होगी सुविधा। जब भी आप फास्टैग लगे वाहन से किसी टोल प्लाजा को पार करेंगे तो फास्टैग अकाउंट से आपका शुल्क कटते ही आपके पास एक SMS आ जाएगा। SMS के जरिए आपको फास्टैग अकाउंट से कितनी राशि काटी गई है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इन बैंकों के माध्यम से कर सकते हैं रिचार्ज। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, RTGS और नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज कर सकते हैं। फास्टैग खाते में कम से कम 100 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक का रिचार्ज कराया जा सकता है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ सेल यानी POS के अंदर आने वाले टोल प्लाजा और एजेंसी में जाकर अपना फास्टैग स्टिकर और फास्टैग अकाउंट खुलवा सकते हैं। राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट में भी जाकर आप अपने आसपास के पॉइंट ऑफ सेल की जगह पता कर सकते हैं। बैंक ने पूरे देश के सभी राजमार्गों पर टोल शुल्क देने को आसान बनाने के लिए पेटीएम फास्टैग को भी शुरू किया है।
फास्टैग के लिए चल रही है कार कंपनियों से बात। मौजूदा समय में पेटीएम पेमेंट्स बैंक नए वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए पेटीएम फास्टैग उपलब्ध कराने की खातिर कार कंपनियों के साथ बात कर रहा है। इसके लिए कार डीलर के साथ भी बातचीत चल रही है। इसमें मारुति, हुंडई, टाटा मर्सिडीज, रेनॉल्ट समेत अन्य कार कंपनियां शामिल हैं। खरीद सकते हैं ऑनलाइन फास्टैग को। पेटीएम के मुताबिक पुराने वाहनों के लिए पेटीएम ऐप पर फास्टैग को ऑनलाइन। पेटीएम फास्टैग का प्रयोग करने वाले ग्राहकों को प्रत्येक टोल लेन देन में 7.5% का कैशबैक मिलेगा। बैंक इस वित्त वर्ष के अंत तक पेटीएम फास्टैग का प्रयोग करने वाले वाहनों की संख्या 10 लाख के पार पहुंचाने की उम्मीद करता है। अब भी और हम जानते हैं कि फास्टैग लेने के लिए कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंटों की हमें जरूरत होती है। तो फास्टैग अकाउंट खोलने के वक्त आपको दिए गए एक फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को भी जमा करवाने की आवश्यकता पड़ेगी, जो इस प्रकार है। सबसे पहले एक तो जरूरत होगी वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की, यानी उसकी आरसी की। दूसरी जरूरत पड़ेगी वाहन मालिक के पासवर्ड साइज के फोटो की, और एक जरूरत होगी वाहन मालिक के केवाईसी दस्तावेज और उसके एड्रेस प्रूफ की। तो व्यूअर्स, आपको बता दें, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने सभी गाड़ी निर्माताओं, कंपनी और वाहन डीलरों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि खरीदे जाने वाहनों पर उसके मालिक द्वारा फास्टैग जरूर लगवाया जाए। इसीलिए अब यह आवश्यक है कि आपको फास्टैग अपने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इससे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हर व्यक्ति को इसके बारे में पता चलना चाहिए जिसके पास फोर व्हीलर गाड़ी है, क्योंकि उसको ये सूचना होनी चाहिए कि 2 दिसंबर 2019 से ये फास्टैग हर टोल प्लाजा पे उपलब्ध होगा और आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप इस चीज नहीं लगाओगे तो आपकी गाड़ी दूसरी टोल उस टोल से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये केस बंद हो चुका है। केस डायरेक्ट आप फास्टैग से ही टोल प्लाजा के शुल्क देना पड़ेगा, केस नहीं लेंगे। ये आपके लिए खुशखबरी है। नमस्कार।